Kids, a very good morning to all of you. This is Sugan and today we will do our part 3rd of the chapter, The Tiger King, written by Kalki. अभी तक के हमने चैप्टर में ये किया है कि एक जो महाराजा होते हैं, he's the महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम एंड इनको भविष्यवाणी करने वाले लोगों ने बोला कि जो इन महाराजा की डेथ है वो एक टाइगर की वजह से होगी. ठीक है, तो ये क्या शपथ लेते हैं कि अब मैं जितने भी टाइगर्स होंगे उनको मैं खुद उनको मारूंगा. तो इट पॉसिबल नहीं होगा कि मेरी डेथ एक टाइगर से होगी. लेकिन फिर एक राजा बोलते हैं, फिर जैसे एक पंडित बोलते हैं कि आपके राज्य में जितने भी आपके जो 100 टाइगर होगा उससे आपकी डेथ होगी. तो अभी तक हमने यही किया, उसको जितने भी टाइगर्स मिलते हैं वो उनकी डेथ उनसे वो सभी के सभी टाइगर्स की डेथ राजा खुद कर देते हैं. सो नाउ लेट्स डू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 4th अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एज देयर आर 5 सीन्स एंड 5 पार्ट्स गिवन इन द चैप्टर. Okay, the Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. कि जो महाराजा के जो टाइगर्स थे वो कंटिन्यू वो शिकार करते रहे, कंटिन्यू उनका हंट करते रहे, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ. एंड 10 ईयर्स के अंदर उन्होंने टोटल 70 टाइगर्स की वो डेथ कर चुके हैं, वो उनको मार चुके हैं. एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल. अनफोर्सीन यानी कि जो कि देखा ना हुआ हो. हर्डल मतलब बाधा, एक ऐसी बाधा उनके सामने आई, उनके मिशन के सामने आई कि उन्हें जो 100 टाइगर्स को किल करना था. स्टैंड स्टिल का मतलब है ठहराव, जिसने उनकी चीजों को रोक दिया. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधमपुरम. कि जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो प्रतिबंधम के जो फॉरेस्ट थे उनके अंदर वो क्या होगी, बिल्कुल खत्म होगी, कि वहां पे एक भी टाइगर नहीं बचा. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? कि किसे पता है कि जो टाइगर्स है या तो वो बर्थ कंट्रोल कर रहे थे, या तो मतलब वो पैदा ही नहीं हो रहे थे, और या फिर वो एक तरह से खुद ही अपने आप को मार रहे थे. हरिकरी मतलब फॉर्मल वे ऑफ किलिंग योरसेल्फ, कि खुद को ही वो मार रहे थे. तभी तो ऐसे हुआ कि वहां पे एक भी टाइगर नहीं बचा. और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन. अभी जैसे जो ये राजा थे, ये इंडिया मतलब ये ऐसे चाहते थे कि उनके सारे के सारे टाइगर्स को वो खुद मारें. लेकिन यहाँ पे एक जो पॉइंट है, यहाँ पे जो राइटर हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो सारे के सारे टाइगर, क्या पता वो स्टेट से भाग गए कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोगों से उनकी डेथ करवाना चाहते हो. मतलब वो जस्ट एक तरह से टॉन्टिंग वे में बोल रहे हैं. वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? एक दिन महाराजा दीवान जी को बुलाते हैं, उनके जिसे जो मंत्री होते हैं सबसे क्लोज, और उनको बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि अभी तक 30 टाइगर्स अभी भी बाकी हैं जो कि मेरी गन से मरे. He asked, brandishing his gun. उन्होंने इस तरह से उन्होंने उससे पूछा, अपने उनको धमकाते हुए. ब्रैंडिशिंग मतलब एक तरह से उनको रिब्यूक करते हुए, उनको धमकाते हुए उन्होंने पूछा. शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजिस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर. और थरथराते हुए उस गन की तरफ, गन को देख के दीवान ने एकदम से चिल्ला के बोला कि महाराज मैं एक टाइगर नहीं हूं. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर. तो जो राजा होते हैं वो बोलते हैं कि कौन बेवकूफ तुम्हें एक टाइगर बोल रहा है. नो आई एम नॉट अ गन. तो फिर वो मंत्री बोलते कि मैं तो एक बंदूक भी नहीं हूं, आई एम नॉट अ गन. यू आर नीदर टाइगर नॉर गन. दीवान साहब, आई समंड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज. I have decided to get married. अब जो राजा होते हैं वो बोलते हैं कि ना ही तो तुम टाइगर हो, ना ही तुम गन हो, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, समन मतलब किसी को बुलाना, मैंने तुम्हें एक अलग पर्पस के लिए बुलाया, एक अलग उद्देश्य के लिए बुलाया है, और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी करना चाहता हूँ. द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर. और अब जो दीवान साहब थे, जो मंत्री थे, वो और भी ज्यादा बड़बड़ाने लगे. योर मैजिस्टी, आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी इफ आई मैरी यू. कि महाराज मेरे पास तो ऑलरेडी मेरी तो दो पत्नियां हैं, अगर मैंने आपसे भी शादी कर. Don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. कि क्या तुम बेवकूफों वाली बातें करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, मुझे तो बस सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स चाहिए. Your majesty, please think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like, marry the gun. A tiger king is more than enough for this state. It doesn't need a tiger queen as well.
महाराष्ट्र, प्लीज आप इस बारे में दोबारा सोचो। आपके पूर्वजों ने भी तलवार के साथ शादी की थी। अगर आप चाह सकते हो तो आप एक गन के साथ शादी कर सकते हो। एंड एक टाइगर किंग मुझे लगता है कि एक इनफ है इस पूरे राज्य के लिए, इसको एक टाइगर क्वीन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफो। महाराज बहुत ज्यादा जोर से हंसे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर अ टाइगर और अ गन। ना ही तो मैं एक टाइगर से शादी करने की सोच रहा हूँ ना ही गन से, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग। सिंपल आदमियों, जो ह्यूमन बींग्स वाली नेचर वाली जो गर्ल होती, मैं सिर्फ एक सिंपल एक लड़के से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। कि आप अपने स्टेटिस्टिक्स मतलब अपने आंकड़े जांच कर लो कि टाइगर की पॉपुलेशन पूरे के पूरे राज्य में कितनी है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। उसके बाद आप देखो कि उन जहां पे मैक्सिमम टाइगर्स हों वहां पे कोई लड़की है जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, जिसकी बहुत ज्यादा जिसके राज्य में बहुत ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। दीवान ने उनके ऑर्डर को जैसे कम्प्लीट किया, फॉलो किया, उसके बाद उन्हें एक राइट लड़की भी मिल गई उसी राज्य से जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में टाइगर्स थे। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब भी वो अपने ससुराल में जाते तो वो 5 or 6 टाइगर्स को हमेशा मार देते। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स एडॉर्न द वॉल ऑफ रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिमंधमपुरम पैलेस। इसी तरह से प्रतिमंधमपुरम पैलेस के अंदर करीबन 99 टाइगर की जो स्किन्स थी वो रिसेप्शन के ऊपर अच्छी तरह से लग गई। सो स्टूडेंट्स, यहीं तक हम अपना हमारा पार्ट 4th करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ब्यूटीफुल